वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। बिल्कुल। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशीर। आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने लगी है, एक बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी है। तो वीडियो का जो टाइटल है वो है 10 मोस्ट डेडलीस्ट इंडियन वेपन इन हिंदी 2021। आज हम देखेंगे 2021 में इंडिया के पास सबसे ज्यादा डेडलीस्ट खतरनाक वेपन्स कौन से हैं। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने लगी है, तो जल्दी से शुरू करते हैं। इस फैक्ट का वीडियो ओरिजिनल लिंक आपको इनका मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो काउंट डाउन करते हैं, 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, दुनिया में हर कोई देश इतना ताकतवर तो बनना ही चाहता है कि अपनी रक्षा कर सके, और इसलिए हर कोई देश अपने मिलिट्री और हथियारों पर काफी खर्चा करते हैं। और इसी बीच इंडिया भी अपने हथियारों पर अरबों रुपया खर्च करता है, जिसकी वजह से इंडिया आज दुनिया का चौथा सबसे ताकतवर देश बन चुका है। इसके अलावा इंडिया की मिलिट्री पावर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मिलिट्री पावर है। मिलिट्री में दूसरे नंबर ग्लोबल फायर रैंकिंग में इंडिया से यूएसए, रशिया और चाइना आगे हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी शक्तिशाली हथियार हैं, जिनकी वजह से ये तीनों देश भी इंडिया से डरते हैं। और आज इस वीडियो में मैं आपसे इंडिया के इन्हीं 10 मोस्ट पावरफुल वीपन्स के बारे में बात करने वाला हूँ, कौन से वेपन्स जो पूरी दुनिया में सबसे खतरनाक हथियार माने जाते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखें, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें। तो आइए जानते हैं इंडिया के पावरफुल हथियारों के बारे में। नंबर 10, पिनाका MLRS। पिनाका एक मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर है जो एक साथ 12 रॉकेट फायर कर सकता है। सामने खड़े दुश्मन के लिए खतरनाक है, और इंडिया ने इसे 1999 में कारगिल के टाइम भी काफी खतरनाक लग रहा है। पिनाका को DRDO ने बनाया था। इसके अलावा DRDO ने इसराइल के साथ मिलकर पिनाका में एक GPS सिस्टम लगाया है, जिसकी वजह से इस मशीन से निकले रॉकेट एकदम सही निशाने पर जाकर लगते हैं। पिनाका से इस समय 65 किलोमीटर तक पिनाका में काफी अपडेट्स भी की गई हैं। बर्बाद किया जा सकता है, लेकिन अब फ्यूचर में इसकी रेंज को 65 किलोमीटर से बढ़ाकर 120 किलोमीटर किया गया है। इसके अलावा दूर फिर रेंज हो जाएगी होगी कि अमेरिका के M270 की कीमत पिनाका की कॉस्ट से लगभग 10 गुना ज्यादा है। सीरियसली, दोनों की परफॉर्मेंस लगभग सेम ही है। क्या बात है यार। बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस, जिसे BMD के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, इस मिसाइल का डिफेंस सिस्टम इंडिया का भाई किया जाता है, यानी अगर किसी देश ने इंडिया के ऊपर मिसाइल से हमला किया तो बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल करके इंडिया उस मिसाइल को बचा लेगा। इंडिया अपने आप को इस न्यूक्लियर अटैक से, बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल अपने डिफेंस के लिए करता है। आई थिंक इसकी रेंज 5 to 6,000 है, यानी पृथ्वी एयर डिफेंस। दोस्तों, ये मिसाइल 80 किलोमीटर की ऊंचाई और 2000 किलोमीटर की रेंज तक भी मिसाइल पूरी तरह से सक्षम है। ये दो तक है। दूसरी मिसाइल यानी एडवांस एयर डिफेंस मिसाइल 30 किलोमीटर की ऊंचाई और 250 किलोमीटर की दूरी तक किसी भी मिसाइल को रोक अच्छा, सकती 250 किलोमीटर है। नंबर मतलब 2000 रेंज है, जिसे नामिका से भी जाना जाता है। इसका मैंने फर्स्ट टाइम नाम सुना। नामिका मिसाइल को इंडिया की एजेंसी DRDO ने बनाया है, और इस मिसाइल की खास बात यह है कि इसकी थर्ड जनरेशन एंटी टैंक मिसाइल में 8 नैग मिसाइल लगी होती है। इसके अलावा अलग से मिसाइल भी हो सकती हैं। दोस्तों, नमिका मिसाइल दिन हो या रात 5 किलोमीटर तक किसी भी टारगेट पर निशाना लगा सकती है। इसके अलावा ये मिसाइल टारगेट सेट करने के बाद उसका पता अपने दम पर लगा सकती है, फिर चाहे टारगेट एक जगह से दूसरी जगह मूव ही क्यों ना कर रहा हो। और इसी वजह से इंडियन आर्मी ने 7000 नैग मिसाइल को अपने वीपन्स में शामिल कर लिया है। इसके अलावा फ्यूचर में इसकी टारगेट पर हमला करने की दूरी को भी बढ़ाया जा सकता है। नंबर 7, P-8I नेपच्यून। तो ये तो आपको पता ही होगा कि इंडिया एरिया में दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है, और इसी वजह से इंडिया का समुद्र तट भी 7500 किलोमीटर का है। इसके अलावा हजारों आइलैंड ऐसे हैं जिनकी सुरक्षा करना बहुत जरूरी है। इसी में काम आता है P-8I नेपच्यून, जो अपने बेस से 4 घंटे और 2000 किलोमीटर की दूरी तक उड़कर अपने बेस पर वापस भी आ सकता है। दोस्तों, इस एयरक्राफ्ट की खास बात ये है कि ये समुद्र में किसी भी सबमरीन को ढूंढ सकता है, जिसमें इसकी मदद करता है इस एयरक्राफ्ट में सबमरीन पे ढूंढ लेता है एनिमी डिटेक्शन वाला यूनिक फीचर। ये फेंकता है मिसाइल को ढूंढने के बाद उसे आसानी से तबाह कर सकता है। यार, इसके अलावा इस एयरक्राफ्ट के अंदर 120 सोनोबॉयज, 6 से 8 MK-54 टोरपीडोज जिसमें बॉम्ब लगे होते हैं, और साथ ही अपने विंग्स में 4 हार्पून मिसाइल भी ले जा सकता है, जिसकी वजह से इस एयरक्राफ्ट को हजारों किलोमीटर दूर किसी भी सबमरीन को तबाह करने में कोई मुश्किल नहीं आती।
नंबर 6 T-90S भीष्मा। भीष्मा ये बीस्ट है और इस टैंक का वजन 48 टन है। इस पावरफुल टैंक में बहुत पावरफुल है, बैठ सकते हैं और ये टैंक अपने बैरल से एंटी टैंक मिसाइल फायर कर सकता है। देखो मजबूती कितनी है। इसके साथ ही इसमें 125 mm की स्मूथ बोर गन और 12.7 की मशीन गन भी होती है, जिन्हें मैनुअली तो चलाया ही जा सकता है, साथ ही इसे कमांडर के जरिए रिमोट से भी ऑपरेट किया जा सकता है। दोस्तों जब इंडिया ने इसे रशिया से खरीदा था तब रशिया ने इंडिया को अपने T-90A टैंक से डाउनग्रेड T-90S दिया था, जो रशिया के टैंक से कम पावरफुल था, लेकिन बाद में इंडिया ने इस टैंक में अलग अलग देश के सब सिस्टम फिट किए जिसकी वजह से कस्टमाइज किया है। नंबर 5 INS विक्रमादित्य। दोस्तों ऑपरेट किया समंदर का सबसे बड़ा शिप है। इसका वजन करीब 45,000 टन है, जो इंडियन ओशन में भारत का सबसे बड़ा हथियार है। दोस्तों ये शिप इतना बड़ा है कि इसमें 24 MiG-29K और साथ ही 6 ASW और AEW जैसे हेलीकॉप्टर आसानी से खड़े हो सकते हैं। दोस्तों इस कैरियर की सबसे खास बात ये है कि इसमें रशियन इलेक्ट्रॉनिक सेंसर लगे हैं, जो कि इतने पावरफुल हैं कि इसे किसी भी एयरबोर्न रडार सिस्टम से दूर रखते हैं। नंबर 4 दोस्तों इंडिया ने इस फील्ड में बाकी सभी पावरफुल देशों के मुकाबले काफी लेट एंट्री करी थी, और जब इसका मैंने बहुत सुना तो काफी एडवांस था, जो कि 500 किलोमीटर दूर से भी अपने टारगेट पर निशाना लगा सकता है, फिर चाहे माउंटेन एरिया हो या फिर रेगिस्तान। इसके अलावा इसकी खास बात है कि ये एक साथ 100 टारगेट पर निशाना लगा सकता है, और इसी वजह से आज इंडिया के पास 3 फाल्कन अवैक्स हैं। तीन नंबर 3 INS चक्र। चक्र सबमरीन को रशिया के द्वारा बनाया गया है, जिसे इंडिया ने रशिया से 10 साल के लिए लीज पर लिया है। ये वो वाली है, रशिया को $3 बिलियन दिए हैं। दोस्तों INR चक्र इंडिया की पहली न्यूक्लियर अटैक सबमरीन है, और इस सबमरीन में 36 टॉरपीडो और मिसाइल है। दोस्तों इस तरह की सबमरीन सिर्फ दुनिया में इंडिया के अलावा USA, रशिया, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और चाइना के पास है। अच्छा, यानी उसके बाद इंडिया है, उसके बाद बाकी किसी के पास नहीं। दोस्तों इस मिसाइल के बारे में तो आपने सुना ही होगा, पता था ये टॉप पे ही होगा। ब्राह्मोस मिसाइल इंडियन डिफेंस फोर्स के लिए एक बैकबोन का काम करती है। बहुत खतरनाक मिसाइल है, बहुत ज्यादा, मतलब रीढ़ की हड्डी है इंडिया की। मिसाइल की लंबाई 9 मीटर और इसका बहुत पावर, स्पीड भी टन होता है, और इंडियन नेवी ने इस मिसाइल को काफी बार इस्तेमाल भी किया है, और इस वक्त इंडिया को हर साल ऐसी 100 मिसाइल की जरूरत पड़ती है। दोस्तों इस वक्त ब्राह्मोस मिसाइल को अपग्रेड किया जा रहा है, इसमें इसका वजन 50% तक कम किया जाएगा, और इसकी लंबाई भी 30% तक कम होगी, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस पहले से काफी बेहतर की जा रही है। नंबर 1 SU-30 ये इंडिया पर 250 से 300 है, ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड रशिया की सुखोई ने मिलकर बनाया है, और इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है जो इंडिया के, ये इसमें ज्यादा क्वांटिटी के लिहाज से बताया गया, जो इंडिया को बहुत पावरफुल बनाते हैं। हाँ भाई बिल्कुल, और सुखोई वाकई बहुत पावरफुल है। इसी के साथ इंडिया दुनिया में सबसे ज्यादा SU-30 ऑपरेट करने वाला देश भी बन जाएगा, सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा। तो इसी के साथ हुई गाइस ये वीडियो खत्म। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। तो यार ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो थी, इसमें आज हमें पता लगा कि ये इंडिया के जो 10 मिसाइल हैं, ये मतलब 10 वेपन्स है, बहुत पावरफुल हैं। ऐसे तो वेपन्स बहुत हैं, लेकिन ये शायद बताए गए हैं जो सबसे ज्यादा मिकदार में, सबसे ज्यादा क्यों भाई, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट चीज है। पहले तो ब्राह्मोस जो मतलब जितनी उसकी तारीफ की जाए कम है, दुनिया में सबसे तेज, और इंडिया के पास मेरे ख्याल में हजारों में है। दूसरा ये है कि इतना तेज है कि मतलब रडार में भी नहीं आता। दूसरी बात ये कि इतना मतलब फास्ट, मतलब हर लिहाज से अगर आप देखा जाए ना, तो इंडिया पूरा इसके मतलब लदाख लगा दिया जाए, पूरा चाइना इसके अंडर आ जाता है, चाइना आ जाता है, और भाई मतलब कहीं से भी इसको टारगेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बिल्कुल बहुत। और दूसरा वेपन इसके बाद जो आया भाई, मतलब फास्ट वाला जो था फाल्कन, वो जो था वो मतलब एक फाल्कन जो जहाज था, जो मतलब एक टाइम पे 100 मतलब टारगेट कर सकते हैं, और उनको तबाह भी कर सकते हैं, मतलब एक टाइम पे 100 टारगेट, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। क्यों भाई, दूसरी बात ये कि इसमें एक और मिसाइल था, नाग मिसाइल जो कह रहे SU-30 जो है, Sukhoi-30 जो है, इंडिया में सबसे ज्यादा इंडिया के पास है, पूरी दुनिया में रशिया के पास भी नहीं है, रशिया के पास, रशिया से लिए रशिया के पास भी नहीं। अच्छा, अभी बन जाएगा इंडिया बहुत जल्द, जब इससे
इंडिया के पास कम से कम 300 के करीब सुखोई है और इतना पावरफुल है जेट है सुखोई। यार अभी तो ये बीएमडी भी देख लो, बीएमडी देखो 5000 हाँ, पता नहीं कोई रेंज बोल रहा हाँ, है एक की 2000 हाँ, है की 5000 है, पांच हजार है तो यार मतलब ये मतलब किसी चीज की अब इंडिया को जरूरत नहीं है कि दूसरे देशों से खरीदे, आपने मोर नहीं तैयार कर, बीएमडी इतना पावरफुल होगा भाई जहाँ से वो मिसाइल छोड़ेंगे ना वहाँ पर जाकर उनको, यानी अगर इनको पता चल जाए कि किधर होती है तो दूसरे देश में उसको दबा कर सकता है, इतनी रेंज है। अच्छा एक और बात भी, अभी ये देखो सबमरीन एक इंडिया ने खुद बना ली एटॉमिक और एक रशिया की है, रशिया से वो 10 साल के लिए और $3 बिलियन और $3 बिलियन। और दूसरी बात ये यार तुम देख लो अभी तेजस तैयार कर रहे हैं, एम का मतलब वो फिफ्थ जनरेशन का जो तैयार कर रहे हैं, मॉल का है राफेल 36 आ रहे हैं, मतलब काफी सारे और आएंगे, 72 का और ऑर्डर दिया है, एक लिहाज से देखा जाए। और दूसरी बात ये सबसे अच्छी बात जो इंडिया इस टाइम कर रहा है कि हर चीज चाहे मिसाइल हो चाहे कोई भी चीज हो वो अपने देश में अपने देश में आत्मनिर्भर बांध रहा है, मतलब किसी के ऊपर डिपेंड ताकि डिपेंड ना रहे। जैसे ये सबसे अच्छी मुझे बात इंडिया की बिल्कुल है। बिल्कुल। सो गाइस आप इसके बारे में क्या कहते हैं, आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में दें, मतलब आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। बिल्कुल इधर ही वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, तो यार बाय।